तो गाइज अभी क्या भैया बांध टूट गया, बांध। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। मैं भी बहुत सही हूँ, लेकिन मौसम भी बहुत मस्त हो रखा है। बारिश तो नहीं हो रही, बट मौसम एकदम साफ साफ तो नहीं है, सॉरी, मौसम सुहावना हो रखा है, सॉरी। और धूप नहीं निकला है, गर्मी भी नहीं है, शायद बारिश हो, आई थिंक शाम तक बारिश हो सकती है। अभी तो कोई चांस नहीं लग रहा, लेकिन मज़ा आ रहा है घूमने में। जहाँ तक है, आज कल का जो बाइक राइड था 235 किलोमीटर का बाइक राइड, बहुत बहुत ज़्यादा होता है यार, क्योंकि हमेशा का अपना क्या ना आदत नहीं है ना इतना बाइक राइड करे। तो उसके वजह से सुबह लेट से उठा, कल का वीडियो एडिट किया, अपलोड किया, नाश्ता किया, फिर सो गया। अभी मैं लगभग 12 साढ़े 12 में उठा हूँ। उसके बाद से कुछ नहीं किया, बस बैठा, थोड़ा इंस्टाग्राम फेसबुक पर स्क्रॉल किया, उसके बाद नहाया धोया, खाना खाया। और आज तो बृहस्पति था, तो बाल भी नहीं कटाने जाएंगे अपन, कल जाएंगे बाल कटाने। बाल बहुत बड़ा हो रखा है, और बड़ा होने के कारण थोड़ा थोड़ा एक दो बाल झड़ भी रहा है, निकल भी रहा है। तो अभी हमने खाना खाया है, फैमिली सब लोग खाना खा चुके हैं, और अभी टाइम तो 2:20 हो रहा है। तो अभी से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। क्या खा रही है, क्या कह रही, क्या खा रही होता, क्या खा रही होता बताओ, क्या करी मैं? आलू का तरुआ। खाना नहीं खाना है? खानी है, दाल रोटी। दाल रोटी लग रहे हो तुम। मम्मी पकोड़ा खा रही है खाना खाने के टाइम पे। और मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो मेरे पापा सोए हुए हैं एकदम बिंदास। अभी उठेंगे फिर अपने दुकान पे जाएंगे। आते हैं दोपहर में, आते हैं 11 साढ़े 11 में, खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं, फिर जाते हैं 3 बजे से। तभी उठेंगे फिर जाएंगे वो। ये है मेरी दादी। दादी बाढ़ आई तो कहाँ जाबे तू बताओ? बाढ़ आई तो कहाँ जाबे? छत पर। छत पे चल जाइए। छत पर 2 साल से बाढ़ ना हुई था। बाढ़ हुई था कई साल से ना, लेकिन 2 साल से बहुत ज्यादा हुई था। होनी के देख ले बड़ा 2 साल वाला ना, एगो पिछला साल बहुत साल पहले बांध टूट वाली, तो हम होश में रही हम मेरी दादी। और हमने तो बस 1-2 साल ही बाढ़ देखा है, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा बाढ़ देखा है। और जब भी बांध टूटता है तो मेरे ज़मीन में टूटता है। बहुत साल पहले बांध टूट रहा था तो मेरे ज़मीन में टूटा था, पिछले साल भी बांध टूटा तो मेरे ज़मीन में टूटा, और इस साल भी टूटने का चांस है तो मेरे ज़मीन में ही टूटने का चांस है। देखिए क्या होता है। काम तो चल रहा है, वैसे बांध बचाने का काम प्रक्रिया चल रहा है, देखिए क्या होता है। गाइस, सबसे पहले मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि यहाँ पे आवाज़ आएगा हवा का, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, कि छोटा सा यहाँ रिसाव हुआ था। ये कहले रिसाव इतना ली ना हो, यहाँ पे छोटा सा रिसाव हुआ था, इस कारण से यहाँ पे लोग बहुत ही परेशान थे, दहशत में थे। ये जो बोरा आप देख रहे हैं, ये बोरा यहाँ डाला गया है अंदर तक। अब क्या ना, ये सब हला के फिर यहाँ बोरा डलवाओ ना। ये जो बाँस देख रहे हैं आप, बाँस हलाया जा रहा है, और इसको बांस पे हलाने के बाद फिर यहाँ पे बोरा डाल के इसको पैक किया जाएगा। हाँ बोलेंगे नहीं, ये देखिए यही यही बांध का काम हो रहा है। बांस बांस हला के और इस बांस और इसमें बांधा जाएगा, बांस और इसमें क्या बोरा में मिट्टी भर के डाल देते ना, बोरा में मिट्टी भर के डाल रहा है। लेकिन कुछ मैटर के कारण इस काम को अभी रोक दिया गया है, क्योंकि ये सीधा बांस हलाना था, इसको फाड़ फाड़ के लोग हला रहा है, इसलिए अभी इस काम को रोका गया था। अब देखिए आगे क्या होता है। और देखिए ये पूरा कटाव हो रहा है, पूरा ये देखिए पूरा कटा हो रहा है। ये है रोड और ये है नदी, और ये पूरा कटा हो रहा है। ये वाला जो बोरी है, इसमें बालू और मिट्टी दोनों मिक्स करके भरा गया है, और यही बोरी डाला जाएगा उस वो जो बांस लाया जा रहा है उसमें। चलिए आपको ले चलते हैं मेन बांध की ओर, जहाँ पे कंडीशन बहुत ही खराब। ये देखिए यहाँ से मेन बांध स्टार्ट है, ये बांध, ये देखिए ये आप देख रहे होंगे, ये जो है ये दरार, ऐसी दरार, यही दरार तो बर्बाद कर रहा है बांध को। और मेन जो क्रिटिकल कंडीशन है वो यहाँ से शुरू होता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आप दूर तक देख रहे हैं बोरा का छल्ली लगाया गया है,
ताकि उधर से मिट्टी का कटाव ना हो। मिट्टी इधर भी यहाँ शायद लीकेज था तो यहाँ पे बोरा डाला गया है लीकेज बंद करने के लिए। ये है मेन, यही भी पिछले साल बांध टूटा हुआ था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खतरा है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी का बोरा भर के डाला गया है, जो कि इससे बहुत ज़्यादा भी सुरक्षा है। बांध तो टूटेगा नहीं, लेकिन अगर पानी का स्तर बढ़ेगा, जैसे पानी का स्तर कितना है अप्रोक्स, एक से डेढ़ फीट हाइट पे है ये बांध, अगर पानी का स्तर उठा तो शायद पानी उस पर जाएगा, जिसके कारण शायद ये बोरा उस पानी में बह जाए और फिर से बांध टूट जाए। ये धरारा गांव का चवर, मतलब खेती जहाँ होता है, खेत जिसको बोलते हैं, ये पूरा पानी भर। अभी में हम पहुंच गए हैं घर पे, और देखो माँ का यही एक काम है, यहाँ बैठी रहती है और टीवी चलता रहता है। अभी काम है कि नहीं आपको, कोई काम है कि नहीं आपको बताइए पहले। अभी समय से कोई काम नहीं। इधर देखिए बोलिए, कोई काम है कि नहीं। तो गाइस अब समय हो रहा है 9:10 और हम चल जा रहे हैं खाना खाने। आज खाने में है, आपको बताते हैं क्या क्या है आज खाने में, मेरा फेवरेट है। माँ क्या क्या है खाने में? सेवई और चटनी, और इसमें आलू रखो, लो इसको जरा, आलू पराठा। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 9:35, हम सब खाना खा चुके हैं, और आप लोग भी फैमिली के साथ ही खाया कीजिए, क्योंकि खाने का टेस्ट भी बदल जाता है और खाने में मज़ा भी आता है और बातें शेयर होती है, प्यार बढ़ता है। तो खाना पीना हो चुका है 9:30 तक हम लोग सो जाएंगे। थोड़ा सा इस वीडियो में काम करना है, मोबाइल पर एडिटिंग वगैरह करेंगे, थंबनेल वगैरह बनाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपको और क्या क्या टॉपिक चाहिए ब्लॉगिंग पे, कुछ और भी करने के लिए बोलिए, मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया, नहीं जाना है, सब्सक्राइब करना है। ओके।